वेलकम बैक टू द चैनल। वापस से हम लोग आ चुके हैं एक नई गेम प्ले के साथ में, और आज हम लोग काफी टाइम बाद खेलने जा रहे हैं गैंगस्टर वेगस। तो जैसा कि आप लोग को याद होगा कि लास्ट वाले एपिसोड में हम लोग उन्हें ईवेन के साथ मिलके फ्रैंक की सबसे महंगी और तगड़ी कार चुराई थी, जिसको कि यार हमने वीरा को दे दिया था। बट यार उसके बाद ना प्रॉब्लम ये हो गई थी कि यार फ्रैंक ने एक पुरानी सी लाइब्रेरी को तोड़ के कन्वेंशन सेंटर बना दिया था, जिसको कि तोड़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, क्योंकि अगर वहां पे कन्वेंशन सेंटर बन जाता तो यार वो हमारे लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता था। इसलिए यार मैंने और कैरन ने एक खतरनाक सा प्लान बनाया और उसके पूरे कन्वेंशन सेंटर को ही उड़ा दिया था। और ये काम हम दोनों इतना सीक्रेटली किया था, लिटरली गाइस किसी को पता तक नहीं चला, और तो और फ्रैंक को अभी तक पता भी नहीं है। बट गाइस यार अभी प्रॉब्लम ये हो गई है कि ना अभी मेरे को वीरा का कॉल आया था और उसने मुझे यार फिर से बुलाया हुआ है। अब पता नहीं कौन सी मुसीबत हमारे गले लगने वाली है, अभी मेरे को कुछ भी नहीं पता है यार। वैसे मेरे को लगता है ना फ्रैंक को या तो पता लग गया होगा कि उसकी जो कन्वेंशन सेंटर थी उस पे ब्लास्ट हम दोनों ने ही किया था, या पता नहीं यार जो भी होगा उस पे ब्लास्ट हमने किया था। बट मुझे तो लगता है ना यार पता लग गया होगा। अब जो भी है यार अभी फटाफट वीरा ने हमको बुला रखा है, तो जल्दी से चलते हैं वीरा के पास, क्योंकि यार भाई काफी ज्यादा डर जैसा लग रहा है, क्योंकि अगर यार फ्रैंक को पता लग गया कि ना हम दोनों ने मिलके उसकी बिल्डिंग पे ब्लास्ट किया था तो यार काफी ज्यादा मुसीबत हो सकती है। फिलहाल अभी यार वीरा के पास चलते हैं, भाई बहुत सारे काम है अभी मेरे पास, अब वीरा के पास जाना पड़ेगा, जल्दी से चलते हैं। ऑलराइट यार अभी फिलहाल मेरी वीरा से बात हो चुकी है, एंड वीरा बोल रही है कि यार ये काम ना इतना ज्यादा यार रिस्की भी नहीं है, इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। बट यार वीरा ने हमसे कहा कि यार कल रात जो है ना फ्रैंक और उसके जो फ्रेंड है उन लोगों ने एक बहुत ही बड़ी डकैती कर रखी है। अब वो डकैती ना इतनी ज्यादा बड़ी है कि यार उसमें काफी ज्यादा पैसे है, मतलब उन लोगों के पास एक लॉकर है जिसकी चाबी और जो कोड है वो सब फ्रैंक के फ्रेंड के पास है। अब जो फ्रैंक का फ्रेंड है ना वो वीरा की एक फ्रेंड को जानता है। अब वीरा ने मुझसे कहा है कि यार उसकी जो फ्रेंड है ना वो उन लोगों से यार थोड़ा बहुत ना इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेगी, जिसको कि मुझे चुपचाप से सुनना है। वैसे तो यार वीरा ने बोल रखा है कि यार ये काम रिस्की नहीं होने वाला है, बट यार ना वीरा ने ये भी कहा था कि यार उन लोगों के पास ना गन वन हो सकती है, इसलिए यार हमको भी ना थोड़ा बहुत तैयार होना पड़ेगा और गन वन खरीदनी पड़ेगी। तो अभी ना मैं सोच रहा हूँ कि यार सबसे पहले ना किसी शॉप पे चलते हैं जहां से हम लोग गन वन खरीद सकें। तो फटाफट चलते हैं किसी शॉप पे जहां से हम लोग गन खरीद दें, एंड उसके बाद हम लोग चलेंगे भाई इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए। फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ यार शॉप में, क्योंकि वहां से मेरे को गन खरीदनी है, क्योंकि यार वीरा ने मुझसे कहा है कि यार वहां पे ना बहुत सारे बंदे हो सकते हैं, एंड उनके पास यार भाई गन वन भी हो सकती है। तो अभी फिलहाल यार गन वन खरीद लेते हैं कहीं से, भाई पता नहीं कहाँ पे है। ओके यहाँ पे मेरे को एक शॉप दिख रही है, तो यहाँ से भाई पता वता करके ना एक मतलब गन वन खरीद लेते हैं, चलो फटाफट चलते हैं इधर। ओके तो अभी फिलहाल यार मैंने खरीद ली है गन, भाई देखो गन मैंने इतनी सारी खरीद रखी है, एंड वहां पे ना खतरा तो बहुत हो सकता है, तो इसीलिए ना हमको अभी यार चुपके चुपके जाना पड़ेगा। ओके तो फिलहाल अभी यार मैंने गन वन तो खरीद ली है, तो अभी फटाफट ना चलते हैं लोकेशन पे जहां पे भी यार हमको जाना है। फिलहाल मैंने गन खरीद रखी है तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, बट वीरा ने मुझे बोल रखा था कि यार उनके इतने ज्यादा पास नहीं जाना है मेरे को, क्योंकि अगर हम लोग उनके पास गए तो वो लोग शायद से हमको देख सकते हैं। ओके तो अभी फिलहाल ये देखो मेरे सामने जो कार दिख रही है उसमें है वो फ्रैंक के बंदे, जिनको कि यार सारा कुछ पता है इन्फॉर्मेशन लॉकर वॉकर के बारे में। फिलहाल यार आगे ये लोग जा रहे हैं, एंड उसमें यार जो वीरा है ना उसकी फ्रेंड भी है। अब मेरे को थोड़ा बहुत डिस्टेंस बना के जाना पड़ेगा, क्योंकि यार अगर डिस्टेंस नहीं बनाया ना मैंने तो शायद से फ्रैंक के जो बंदे है ना वो मेरे को देख सकते हैं, एंड भाई अगर ये यार ज्यादा दूर चली गई तो यार वैसे भी यार मेरा मिशन भाई अधूरा रह जाएगा। वैसे भी यार वीरा ने मुझसे बोल रखा है कि यार थोड़ा बहुत ना मुझे चालाकी से जाना पड़ेगा, एंड भाई पता नहीं ये गाड़ी कहाँ जा रही है, भाई आगे को जाते ही जा रही है। तो अभी फिलहाल यार चल रही है गाड़ी, चलते जा रही है, भाई पता नहीं कहाँ कहाँ जाने वाला है ये, जल्दी से चलते हैं इसके पीछे। भाई काफी आगे निकल गया यार, एंड थोड़ा बहुत भी अगर हम आगे निकल जाते हैं ना इससे। ओके तो ये लोग जा रहे हैं इधर पे शायद से, एंड ये जो है ना ये लड़का ये बैरी है, जो कि यार फ्रैंक का कुछ खास टाइप का आदमी है, जिसको कि थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन पता है। फिलहाल मेरे को ना इनकी बातें सुननी है, तो मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा, भाई ऊपर से सुनूंगा मैं इनकी बातें, अब पता नहीं क्या क्या बातें करने वाले हैं। तो अभी मेरे को सारा कुछ समझ में आ गया है, अभी जो ये बंदा है ना बैरी, इसने यार एक कोड बता रखा है, जो कि यार उस लॉकर का कोड है जहां पे इन लोगों ने लूट कर रखी है एंड डकैती कर रखी है। भाई काफी ज्यादा खतरनाक कोड
काफी ज्यादा खतरनाक जगह है। अब यही कोड यार हमको ना अभी वीरा को बताना है, बट उससे पहले ना मेरे को लग रहा है मैं यहाँ से निकल नहीं पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा बंदे हैं। देखो 4 बंदे हैं एंड इन सभी को मेरे को मारना पड़ेगा। वैसे भी मेरे को यार मिशन आ रखा है कि बैरी एंड जो हेंचमैन है उन दोनों को मारना है, क्योंकि ये दोनों जो है ना प्रैंक के खास आदमी है। एंड इन दोनों को अगर मैंने नहीं मारा तो यार शायद से हमारा मिशन अधूरा रह सकता है। वीरा भी यार पता नहीं हमसे क्या बोलने वाली है फिर। तो अभी फिलहाल यार इन चारों चार को मारना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक भी इसमें से बच गया तो ये लोग फ्रैंक को इन्फॉर्मेशन दे देंगे भाई मेरे बारे में भी, क्योंकि अभी फ्रैंक को यार इतना कुछ पता नहीं है कि मैं कहाँ हूँ करके, क्योंकि फ्रैंक को ना भाई काफी टाइम से हम लोग मिले नहीं है। वैसे अभी यार इन सभी को ना अभी मार देते हैं जल्दी से। चल 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 तेरी ऐसी की तैसी। अब मर क्यों नहीं रहा है, पता नहीं कौन सी वेस्ट पहन के लाया है यार भाई, वो भी चला रहा है उधर से। तेरी ऐसी की तैसी, चल निकल चल निकल निकल। अब मरा नहीं है, कितना ज्यादा बहुत तगड़ा है यार भाई पूरी मैगजीन भाई। कहाँ गोली हो रही है। चलो थोड़ा बहुत मेरे को छुप के जाना पड़ेगा भाई, अभी भी ये लोग ना भाई नीचे खड़े हैं। अब पता नहीं कहाँ छुपे पड़े हैं। वैसे मेरे को थोड़ा बहुत ना वो ये पड़े रुक जा तेरी ऐसी की तैसी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ सब लोग आ जाओ तेरी। अबे मेरे आगे आएगा तू, इसकी ऐसी की तैसी साले, चारों के चारों मरोगे तुम। चलो अबे ये लोग पता नहीं इतना देर में क्यों मर रहे हैं यार। वैसे मैंने पूरी मैगजीन खाली कर दी है यार, अब मर रहे हैं लोग, देख रहे हो। ओके तो अभी फिलहाल हमारा मिशन पूरा हो चुका है। एंड वीरा जो है ना वो जो लॉकर का काम है वो ईमैन को देने वाली है, क्योंकि ईमैन जो है हमारा वो काफी ज्यादा सातिर दिमाग का है। एंड फिलहाल यार लूसी भी हमने बचा ली है, क्योंकि लूसी को भी ना हमको सेफ रखना था शायद से, एंड ये चीज मैंने ध्यान नहीं दिया बट वो बच गई है। फिलहाल यार आज का जो भी वीडियो है इधर तक रहने वाला है। एंड अगर आपको हमारा, वैसे यार अब मुझे पता नहीं यार क्या होने वाला है आगे, क्योंकि यार वीरा ने ना ईमैन को बता दिया है वो कोड, एंड शायद से ईमैन हमको अभी बुलाने वाला है। अब पता नहीं क्या होने वाला है, अगले एपिसोड में देखेंगे। फिलहाल यार आज का जो वीडियो है इधर ही तक रहने वाला है। एंड अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।